हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छाया पंचाल्स किचन। आज मैंने ट्रेडिशनल काठियावाड़ी स्टाइल में सब्जी बनाई है, बैंगन और आलू की। आलू और बैंगन की सब्जी नॉर्मली सब बनाते हैं, ये गुजराती स्टाइल में है। ट्रेडिशनल स्टाइल जो गांव में बनाई जाती है, इसे खिचड़ी भाखरी के साथ खाया जाता है। खिचड़ी और भाखरी और छाछ के साथ ये सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए देखते हैं। नई रेसिपी देखने के लिए छायास किचन को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो उसके लिए मैंने आलू को पील कर लिया है और अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। बहुत बारीक पीस नहीं करने हैं हमें, मीडियम साइज के करने हैं। ऐसे ही मैं सारे आलू कट कर लूंगी। देखिए, ये सारे आलू कट होके रेडी है। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे आधा ग्लास, जिससे कि आलू हमारे लाल ना हो जाए। अब ये मैंने बैंगन लिए हैं, जो भरवा बैंगन में यूज होते हैं वो बैंगन मैंने हरे बैंगन लिए हैं, तो उसको हम कट कर लेंगे। उसको भी मैंने एक बैंगन के 4 से 5 कट किए हैं। बहुत ही छोटे छोटे पीस नहीं करने हैं हमें। तो ऐसे ही मैं सारे बैंगन को कट कर लूंगी और उसे पानी में रखना है, ताकि वो थोड़े ब्लैक ना हो जाए, श्याम ना हो जाए, क्योंकि बैंगन जो होते हैं पानी में नहीं रखते तो थोड़े काले पड़ जाते हैं। वैसे ही मैं एक टमाटर कट कर लूंगी। टमाटर भी कट हो गया है, तो सब्जी हमारी सारी कट हो चुकी है। तो अब हम मसाले के लिए लहसुन को क्रश करेंगे। मैंने 12 से 15 कलियां लहसुन की ली है और उसमें हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। लहसुन और लाल मिर्च को क्रश करने से उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 1.5 चम्मच इतना लाल मिर्च पाउडर मैं डाल रही हूँ और इसे हम दस्ते की मदद से क्रश कर लेंगे। देखिए, ये हो चुका है। तो इसे हम चम्मच की मदद से निकाल लेंगे और उसमें हम जो हमारी और अब इसमें हम पानी डाल देंगे आधा ग्लास, जिससे कि लहसुन का फ्लेवर वो पानी में आ जाए। हम ये सब्जी कुकर में भी बना सकते हैं, पर मैं अभी कढ़ाई में बना रही हूँ। तो कढ़ाई में मैं 2 चम्मच जितना तेल डालूंगी। कढ़ाई में ये सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, मैं इसमें राई ऐड कर दूंगी, मस्टर्ड सीड्स। राई के चटकते ही हम इसमें जीरा ऐड कर लेंगे और साथ ही में हींग ऐड कर लेंगे, और फिर जो हमने लहसुन और रेड चिली को क्रश किया है वो डाल देंगे। और अब हमने जो कट की है वो सब्जी डाल देंगे, आलू और बैंगन को, और साथ ही में टमाटर भी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करूंगी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मैंने लाल मिर्च लहसुन में डाला है, धनिया पाउडर 1 चम्मच, और साथ ही में हम नमक डाल देंगे एज पर टेस्ट, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप अपने हिसाब से मिर्ची डाल सकते हैं। और जो हमने पानी रखा था वो पानी ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करके इसे ढक के स्लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी सब्जी तकरीबन पक चुकी है। हम चेक कर लेते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और एक आलू को हम कट करके देख लेते हैं। देखिए,
आलू अच्छे से पक चुके हैं, तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे सर्व कर देंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी टेस्टी और एकदम सिंपल रेसिपी बैंगन और आलू की सब्जी रेडी है। आप इसे ज़रूर बनाइए, हर गुजराती के घर पे ये सब्जी बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इसे बना के एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स।